खुद को इतना थका दो कि बिस्तर पर जाते ही नींद आ जाए। रात को अच्छी किताबें पढ़ो, मोबाइल सोने से एक घंटे पहले चलाना छोड़ दो, नहा कर सोए। नहा नहीं सकते तो हाथ पैर तो जरूर धो लें। 10 बजे तक सो जाएं, अगर इमरजेंसी है तो 11 बजे तक लास्ट, उससे लेट आपको वीरनाश की तरफ लेकर जाएगा। सुबह 4 बजे या 5 बजे उठ जाएं। आप 4 बजे के बाद जितना लेट उठेंगे स्वप्न दोष की संभावना उतनी ही ज़्यादा होती है। रात को हल्का भोजन लें, इसका खास ध्यान रखें, सोने से कम 2 घंटे पहले रात का भोजन करें। जिन्हें ये डर लगता है या विचार आते हैं कि कहीं स्वप्न दोष ना हो जाए, वो सभी भाई इस डर को निकाल दें। आपका डर आपकी परेशानी बढ़ाता है। रात को खुद से कहकर सोएं कि मैं ब्रह्मचार्य में सफल हो रहा हूँ, मैं वीर्य रक्षा में सफल हो रहा हूँ, मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अच्छे विचार आते हैं और मैं अपने लक्ष्य को लेकर समर्पित हूँ। एक बार अपने काम वासना को ऊर्जा में कन्वर्ट करना सीख लिया तो फिर आप हजारों की भीड़ में भी अलग दिखोगे, क्योंकि आपके चेहरे पे वो चमक होगी जो अपने वीर्य नाश करके नहीं पाई है। क्या आपको पता है अगर 90 दिनों तक वीर्य नाश ना करो तो क्या होगा? आपका शरीर मजबूत हो जाएगा, आपके अंदर एक अटूट शक्ति आ जाएगी, आपके शरीर में पूरे दिन ऊर्जा बनी रहेगी, आपका शरीर घंटों परिश्रम के बाद भी थकेगा नहीं, आप और ज्यादा आकर्षक दिखने लगोगे, आपकी बॉडी अच्छी दिखने लगेगी। 90 दिनों तक ब्रह्मचार्य पालन करने से आपने आसपास की एक दिव्य शक्ति अनुभव करोगे। अगर आप 90 दिनों तक ब्रह्मचार्य का पालन करते हो तो इन 90 दिनों में कोई भी कुकर्म नहीं करोगे, ना ही कोई गंदे विचार आएगा, आपके मन के अंदर शांति आने लगेगी और मन से नकारात्मक विचार दूर होते जाएंगे। आप पूरे दिन खुश रहने लगोगे, आपका चेहरा चमकता रहेगा, आपके अंदर से एक अलग एनर्जी फील होगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा, आपकी संकल्प शक्ति भी बढ़ जाएगी, आपका दिमाग पहले के मुकाबले तेज होता जाएगा। एक बात हमेशा याद रखना, जो चीज़ें आपको शर्मिंदगी महसूस कराती है वे आपके लिए कभी अच्छी नहीं हो सकती। अगर आप में से कोई ब्रह्मचार्य का पालन कर रहा है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि कितने दिन हो गए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें। हम आपसे जल्दी मिलेंगे एक और नई बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।